वो लड़का नौकरी लगा हुआ है जी, तो नौकरी से क्या है सर जी, सब्जी चेंज हो सकती है, कपड़े चेंज हो जाएंगे जी, पर ये एक बिजनेस ऐसा है बंदा कहाँ से लेके कहाँ पे ले जा सकता है इसको। जी जी जी, जी। आपको करोड़पति भी बना सकते हैं जी, आप मत करो पैसा है आपके पास खुद आप कोटेशन भर लोगे आज मेरे साथ भर लोगे, आप इधर आओगे मैं जैसा कहूंगा वैसी गाय दिलाऊंगा आपको। जी जी जी, एक आप किसी के साथ कोटेशन मत भरो, आजाद होके आओ, अगर मेरे पास पसंद नहीं आती है किसी और के पास चले जाओ। जी जी जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मैं गुरदीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु चिकित्सा गुरु में। दोस्तों एक बार फिर से ओंकार भाई साहब का स्वागत अपनी वीडियो में, और बातचीत करते हैं, उनके फार्म पे पहुंचे हैं, उनकी ब्रीड के बारे में और कुछ गौ माता हैं फिर से सेल के लिए अवेलेबल हैं जी, और जो भी भाई मित्र हैं जो प्यार दे रहे हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका, और उम्मीद करता हूं कि कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और अपना प्यार है जो देते रहेंगे जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया जी। ओंकार भाई साहब, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो जी अपना। लोकेशन है जी श्री गंगानगर राजस्थान की जी, और गांव है 10 से छोटी ठाकरा वाली डाणी जी, और मोबाइल नंबर है 9268-26207। जी जी, तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी या कोई भी गोमाता आपको चाहिए तो ये घर पे अवेलेबल करवा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा और किस उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दो जी। ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल है जी, कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसपोर्ट में जी, और जो भी भाई किसान गाय खरीदने आता है वो ऑनलाइन मत लो, चाहे मैं भी हूँ मेरे से भी मत लो जी, आप खुद आओ ट्राई करो, एक फोन पे और एक रियल देखने में बहुत फर्क है जी। जी जी, ऐसे फोन पे फोटो देख के वीडियो देख के किसी भी भाई के अकाउंट में पैसा नहीं डालें जी, और किसान भाई से भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि जो भी गोमाता खरीद रहे हैं वो फार्म पे पहुंच के देख के परख के फिर खरीदें जी, ताकि आपके साथ धोखा नहीं हो जी। और ओंकार भाई साहब और नरेंद्र भाई साहब इन चीजों पे काम कर रहे हैं और शुरुआत भी इन्होंने की है जी, मैं इनकी जो सोच है इनकी सोच को मैं बहुत सलाम करता हूँ जी। नरेंद्र भाई साहब, ओंकार भाई साहब, कुछ और जानकारी जो अपने युवा जो किसान भाई है देख रहे हैं उनको क्या जानकारी आप लोगों के साथ? जानकारी यही है डॉक्टर साहब, आज एक टाइम का दूध रोक के वीडियो बड़ा दिखा के बड़ा ऑर्डर दिखा के बोल देते हैं 50-55 हजार में 20+ वाले दूध वाले जी, आप इधर आ जाओ मेरे को ले चलो, वे किस फार्म पे लेकर चलते हो, 2-3 टाइम दूध निकलवा दो 20 लीटर 55 हजार में जी, मैं आपको एक गाय घर से फ्री दे दूंगा जी। हाँ जी, और ये जो बोल रहे हैं ना कि इससे दूध वाली इतने रेट में मिल जाएगी, देख उसके बारे में कुछ अपने साझा कीजिए। देखो डॉक्टर साहब, इसमें देखो व्यापारी होता है वो तो एक बार बेच के चला जाता है जी, उसको वो उसने जो 55 हजार रेट डाला 60 हजार उसकी ऑनलाइन बिक जाती है, कैसे भी तरह बिक जाती है जी जी, पर घाटा हम जैसे लोगों को है जी, हमारे पास आते हैं बोलते हैं 20 लीटर निकाल के दो 55 हजार में, 55 हजार रूपए आज अच्छी नस्ल की बछड़ी ले तो 55 हजार में कोई नहीं देता अपने को जी जी जी। हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात है ना ओंकार भाई साहब, मेरे को आपके फार्म की जो बहुत अच्छी बात लगी है, क्योंकि आपको इनका रिकॉर्ड पता है जी, इनकी जो गोमाता आपके पास है, इनके पास आपके पास अच्छा बुल है जी, जो भी बछड़ियां आपके पास आ रही हैं, बछड़े आपके पास आ रहे हैं, उनका आपके पास रिकॉर्ड है जी, आपको पूरी जानकारी है कि अपने बुल की जो रिजल्ट किस प्रकार का रहता है, कितना दूध देगी आगे आगे वाली बछड़ी। डॉक्टर साहब ये नहीं है भाई, मेरे घर पे जो गाय है उसी का रिकॉर्ड मेरे को पता है जी, मेरे जो रिलेशन में मेरे जो जानकार है जी, जो जिनके पास बुल है, बुल की बछड़ियां हैं, जो अभी प्रेग्नेंट है, कुछ ब्याई हुई है जी, तो जो चीज दिलाएंगे उसमें कोई ऐसा नहीं है भाई गलत चीज चली गई, पूरा रिकॉर्ड के साथ बताएंगे, उसी चीज पे खरी उतरेगी जो चीज देंगे उसमें जी जी। हाँ जी, तो इससे यही पता चलता है ओंकार भाई साहब, जैसे कि आपको इन गायों के बारे में, गोमाता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है जी, आप इनके जो हर्ड्स हैं, जो इनके ग्रुप बने हुए हैं गोमाताओं के, उनके बारे में आप जानकारी रखते हो, दूर दूर के ग्रुप्स हैं, जैसे 200 किलोमीटर तक भी कोई चराई कराई जा रही है। हाँ जी, तो उनके बारे में ये भी आपको जानकारी है कि किस प्रकार के बुल्स हैं, इनकी क्रॉसिंग हुई हुई है, और ये चीजें हैं जो एक जानकारी वाले बंदे को ही पता होती हैं जी। देखो डॉक्टर साहब, आज यूट्यूब पर हर वीडियो, हर किसी की वीडियो लग रही है जी, हर कोई बोलता है ऐसी गाय, अपने मुंह से तारीफ तो नहीं करनी चाहिए जी, पर आप एक बार ट्राई करो आके पहुंच के देखो जी, पहुंच के देखो, कोई भाई आजकल यूट्यूब पे बोलते हैं इनके घर की गाय ये तो सेल नहीं करते जी, आप किसी गाय के ऊपर हाथों रखो भाई ये गाय हमको चाहिए, देखो रेट तो लगेगा जी, ऐसा नहीं है भाई मैंने एक टाइम दूध रोक दिया, किसी गाय का भारत गाय का देख लो किसी का दूध नहीं रोका हुआ जी जी, कोई प्रेग्नेंट है आज कर रहे हैं भाई बछड़िया, ज्यादा तो किसान आजकल मेरे को फोन कर रहे हैं भाई हमको बछड़िया चाहिए जी, आप बेझिझक होके आइए, तो देखो 5-7 हजार में बछड़िया तो मिलेगी नहीं, कम से कम 25-30-35 हजार रूपए लगाओ बछड़ी अच्छी साहिवाल की बछड़ी मिलेगी जी जी। हाँ जी ओंकार भाई साहब, सबसे बड़ी बात है जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आम आपने वीडियो देखी होगी, सभी वीडियो में एक ही बात होती है,
इतने रुपए में इतने लीटर वाली गौ माता खरीदो और आपको इतना डिस्काउंट है, इतना ट्रांसपोर्ट फ्री है। लेकिन आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो हटके है जी। जो युवा देख रहे हैं, जो बेरोजगार युवा आपको देख रहे हैं अभी फिलहाल, वो बिजनेस करना चाहें आपके साथ मिलके, तो आप क्या कोऑपरेट करोगे? देखो डॉक्टर साहब, बिजनेस करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं स्कूल नहीं गया, मेरी भी बीए की हुई है जी। मेरे को नौकरी और प्राइवेट चीज से सबसे बेस्ट लगी। नौकरी है वो सीमित है। अगर 30,000 रूपए तनख्वाह बंद गई आपके महीने की, तो वो 6 महीने 12 महीने 30,000 ही रहेगी, बढ़ेगी तो 2-4 हजार बढ़ेगी। इस काम को जितना भी बड़ा करोगे उतना भी बड़ा होगा, ये लाखों में चला जाएगा जी। हाँ जी, तो फिलहाल आप जो अपने किसान भाई आपको देख रहे हैं, जो युवा किसान आपको देख रहे हैं, उनको थोड़ा सी आप अपनी इनकम के बारे में थोड़ा सा बता दो जी, किस प्रकार से आपने शुरुआत की और कितना टाइम हो गया आपको काम करते को और क्या आपको रिजल्ट ले रहे हो इस चीज से? देखो डॉक्टर साहब, इसको मैं साल में नहीं बता सकता जी। भाई हमने जो समझ पकड़ी काम करने की, तो हमने हमारे घर पे गाय भी देखी थी जी, और दूसरा काम नहीं किया हमारे परिवार ने और हमने जी। और दूसरी बात, सबसे बेस्ट है सर जी, अगर गाय का काम करे, ब्रीडिंग पे ध्यान दे, एक तो दूध की इनकम है जी। और आज अच्छी ब्रीड की अगर बछड़ी खरीदे ना पूरे रिकॉर्ड की, तो 1 लाख में बछड़ी नहीं देगा कोई जी। जी हाँ जी, जी। कोई मेरे को दिला दो अच्छे रिकॉर्ड वाली 20+ की बेटी हो, अच्छे सिमन की बेटी हो, मैं दे दूंगा 70-80 हजार रूपए जी। आप खरीदोगे मतलब? हाँ जी। तो इतने रेट में आपको ये रिकॉर्ड वाली बछड़ी मिल जाए तो बहुत सस्ती मिलेगी, बहुत सस्ती मिलेगी। तो लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि 35,000 में ले जाओ, 40 में ले जाओ, 20 में ले जाओ, 11 में ले जाओ, ये कहने की बातें हैं डॉक्टर साहब। 35-30 हजार में हाँ वो मिलेगी जो आपके घर पे गौ सेवा कर सकते हो जी। जी ना तो आगे कोई अच्छा रिकॉर्ड होगा, ना अच्छा दूध दे पाएगी जी। जी जी दोस्तों, किसान भाइयों आप देख रहे हो, जैसे कि ओंकार भाई साहब बता रहे हैं, आपको अच्छी लाइन काम करना है, आपको ब्रीडिंग पे काम करना है, तो ही ओंकार भाई साहब से संपर्क करें। वो वाली बात नहीं है कि आपको 11,000 में, 20,000 में, 25,000 में, 30,000 में गाय मिल जाएगी, लेकिन जेन्युइनिटी आपको यहाँ पे आने के बाद में पता चलेगी कि क्या सच्चाई है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस चीज के बारे में यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा। ओंकार भाई साहब, कुछ और जो आपको संदेश देना चाहते हो युवाओं को जी? देखो डॉक्टर साहब, अभी ये बात है, आज 1,000 किलोमीटर 1,500 किलोमीटर जो भाई किसान है फोन करता है इधर राजस्थान में गंगानगर में जी, बोलते हैं हमको इतने लीटर वाली गाय चाहिए जी। तो इधर क्या बोल देते हैं भाई, 20 लीटर वाली 55,000 में 50,000 मिल जाएगी जी। वो इधर आने के बाद हमारे फार्म पे भी आते हैं, बोलते हैं यार आप क्यों नहीं देते हो, आप तो यूट्यूब पर बोलते हो जी। तो उनको ये संदेश देता हूँ, 55,000 में 20 लीटर वाली गाय नहीं मिलेगी जी। जी जी, 20 लीटर वाली 55,000 में नहीं, कहाँ तक मिलेगी अगर आपको कोई दिलाना चाहे तो लेना चाहे? 20 ऐसे तो बताने से तो 20 लीटर वाली 40,000 में मिल जाएगी जी। अगर 3 टाइम दूध निकालोगे पास में बैठ के जी, तो 1,00,000+ ही चलना पड़ेगा सर जी। जी जी, क्रॉस में मिल जाएगी अपने को, 60 की मिल जाएगी, 65 की मिल जाएगी, 70 की मिल जाएगी जी। अगर प्योर साहिवाल, पहली बात तो किसी के पास प्योर है नहीं जी, अगर होगी तो वो 1,00,000 से भारी होगी जी। जी, और आप एक बार ट्राई कर लो जी, इधर रेड कलर की को बोलते हैं, पूरा लाल कलर है, बोल देंगे साहिवाल है जी। आप यूट्यूब पे और सर्च करो जी, नूर महल है KGGS का जी, उसमें ट्राई करो, बछड़ा मिलता है 1,00,000 का तो। जी जी हाँ जी, KGSG है जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो जी। हाँ जी, जो बुल है वहाँ पे बछड़े हैं जो, वो भी 1-1 लाख रुपए के, क्योंकि उन्होंने ब्रीडिंग पे काम किया है, काम किया, उनके पास रिकॉर्ड है सर जी। जी जी जी, आपकी कमी सिर्फ इतनी रहेगी कि आपके पुश्तैनी काम तो चल रहा है लेकिन आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जी। हाँ जी, ध्यान नहीं, तो ये सबसे बड़ी बात है। पुराना टाइम से आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपके पास रिकॉर्ड होता तो आप भी इतने पैसे कमा सकते दोस्तों। अभी फिलहाल इन चीजों पे ओंकार भाई साहब ने ध्यान देना चालू किया जी। दूसरी बात डॉक्टर साहब, आज एक सिस्टम चल रहा है जी, आज हर स्टेट में हर सरकार लोन दे रही है जी। जी जी, तो आजकल वीडियो लग रही है, बोलते हैं हमारे साथ कोटेशन भरो, हमारे साथ ऐसा करो, कुछ भी ना करो जी, या तो कोटेशन उसके साथ भरो, बैंक लोन देने से पहले बोलो भाई मेरे को गाय दिलाए जी, पैसा आपका लग रहा है, गाय आपके घर पे पहुंच रहे, बैंक लोन क्यों नहीं देगा जी। जी, आज मेरे पास गाय है, बैंक अपने आप लोन देगा जी। जी, या तो गाय हमारे पास खड़ी, आप उधर से लोन लेके आओ, कौन दिलाता है देखो जी। जी जी, किसी पे विश्वास मत करो, पैसा है आपके पास खुद, आप कोटेशन भर लोगे, आज मेरे साथ भर लोगे, आप इधर आओगे, मैं जैसा करूंगा वैसी गाय दिलाऊंगा आपको जी। जी जी, एक आप किसी के साथ कोटेशन मत भरो, आजाद होके आओ, अगर मेरे पास पसंद नहीं आती है किसी और के पास चले जाओ जी। जी जी, अच्छी गाय लेके जाओ, ऐसा नहीं है किसी के साथ कोटेशन भर लिया वो दिलाई वैसी दिलाए। आज मेरे साथ कोटेशन भरोगे, मेरे को पता है डॉक्टर साहब ने मेरे साथ कोटेशन भरा है, जैसी मैं देऊंगा वैसी लेंगे डॉक्टर साहब जी। जी जी, ऐसा मत करो जी। देखो गाय आप अपने घर पे लेके जाओ, बैंक को लोन देना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों को जो ओंकार भाई साहब ये जानकारी दे रहे हैं कि ध्यान में रखें, किसी भी व्यापारी के साथ बाउंड नहीं हो हाँ जी, ताकि वो अपनी अपनी इच्छा से अच्छी चीज लेके जा सकें। हाँ, अगर कोई आप भाई बाउंड हो जाता है तो वो व्यापारी के हिसाब से चीज लेके जाएगा। हाँ जी, तो इन चीजों का जो ध्यान रखना जी आपने, और जो भी जानकारी ओंकार भाई साहब ने दी है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी जी। हर स्टेट में कोई भाई बैठा है जी, आप बैंक में जाके एक बार ट्राई करो जी। तो मैं राजस्थान से गाय खरीदने वाला हूँ, मैं उधर से डॉक्यूमेंट मंगवाया है और मेरे को लोन चाहिए
तो बैंक वाला आपको यही बोलेगा पहले गाय लेके आओ जी, गाय आप लेके जाओगे तो पैसा आपको भरना पड़ेगा जी, तो पैसा आप खुद लगा के अच्छी चीज लेके जाओ, लोन अपने आप बैंक उधर जाने के बाद गाय पहुंची लोन दे देगा बैंक जी जी जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है जी, सभी जानकारी सभी वीडियो से हटके ये वीडियो है जी, किसान भाइयों के हित में वीडियो बनाई गई है जी, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की जानकारी सभी भाइयों को अच्छी लगी होगी। और गायों की क्वालिटी दोस्तों आप देख सकते हो किस प्रकार की क्वालिटी है इनके पास, काफी पुराना टाइम से ये लाइन के पास चली आ रही है जी। डॉक्टर साहब एक बात और बीच में बताता हूँ आपको जी जी जी, आज देखो यूट्यूब पर हजारों नंबर है, कोई ग्राहक आता है वो मेरे अकेले से कॉन्टेक्ट करके नहीं आता जी, तो दूसरों से कॉन्टेक्ट करते हैं तो दूसरे यही बोलते हैं भाई वो उसके पास गाय है नहीं, ऐसा नहीं, एक बार आप ट्राई करो जी, अगर मेरे घर पे गाय हो मेरे घर पे रुके हो तो गाय लेना, ये तो मत लेना जी। हाँ जी ओंकार भाई साहब कल एक बात बोल रहे थे, मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि आपने बोला था कि कुछ नौकरी से सब्जी बदली जाती है, कुछ ऐसी बात थी वो, कुछ याद है क्या आपको जी? हाँ जी बिल्कुल याद है जी। बताओ जी कुछ। वो अपने डॉक्टर साहब बैठे थे तभी याद किया था भाई, वो लड़का नौकरी लगा हुआ है जी, तो नौकरी से क्या है सर जी, सब्जी चेंज हो सकती है, कपड़े चेंज हो जाएंगे जी, पर ये एक बिजनेस ऐसा है बंदा कहाँ से लेके कहाँ पे ले जा सकता है इसको जी जी जी, आपको करोड़पति भी बना सकते हैं जी। आज देखो स्टार्ट हमने लगभग 10 गाय से स्टार्ट किया था शुरुआत में जी, हमने कम से कम 100 गाय तो सेल कर दी जी, और पता नहीं कितनी इनकम की, और लगभग 60-70 गाय हमारे पास मौके पे खड़ी है जी जी जी। हाँ जी तो ये बछड़ी का प्यार दोस्तों आप देख लो, बाकी जानकारी है जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे क्या शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं किस वीडियो में कमी किस प्रकार की है, अच्छी लगी तो भी बताओ, अगर कोई कमी है तो बताओ जी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी।